महाराष्ट्र राज्य में पिछले दो महीने से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। राज्य भर में एसटी बस के पहिए थमे हुए हैं, जिससे राज्य सरकार के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई अहम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सोमवार को मुंबई में एसटी कर्मचारियों के आंदोलन के निपटारे को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें एसटी कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखकर कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। हमेशा से सड़कों पर दौड़ने वाली लाल परी यानी एसटी बस के पहिए पिछले दो महीने से महाराष्ट्र में थम गए हैं। एसटी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार में शामिल होने की मांग करते हुए पिछले दो महीने से काम बंद आंदोलन पर है। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान आम यात्रियों को हो रहा है, साथ ही राज्य सरकार को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। अब तक एसटी बसें बंद होने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है, वही ऐसा ही नुकसान एसटी कर्मचारी भी झेल रहे हैं। आंदोलन के चलते हजारों कर्मचारियों को निलंबित किया गया, ऐसे में उन पर अपने परिवार के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। परिवार का पेट कैसे भरे, इसकी चिंता उन्हें सताई जा रही है। वही कई कर्मचारियों ने तो इस चिंता से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली, फिर भी राज्य सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जरूर की। लेकिन कर्मचारियों को बस इतना मंजूर नहीं है, उन्होंने एसटी परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग पकड़ रखी है। वहीं सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के निपटारे को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान एसटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब से चर्चा की। लंबी चर्चा के बाद प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न एसटी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने एसटी कर्मचारियों से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की अपील की। इतना ही नहीं, इस बार एसटी मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने गुणरत्न सदावर्ते पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की, अब वे वकील बदल रहे हैं। पिछले दो माह से धरना चल रहा है, अब समाधान की संभावना है। मी विजय मालोकर, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना। वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं की धंदा जगला, व्यवसाय जगला तर कर्मचारी जगेल, आणि त्या अनुषंगानं आज ज्या सकारात्मक गोष्टी या मीटिंगमध्ये झालेल्या आहेत, त्या अनुषंगानं सर्व कामगारांना, प्रामुख्यानं महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना मी आवाहन करतो की सर्वप्रथम आपण आता प्रवाशांच्या सेवेसाठी रुजू व्हावं, आणि हे केल्याशिवाय आपल्याला कोणतंही गत्यंतर नाही आहे। आणि हा व्यवसाय आपल्याला जगवायचा आहे, वाढवायचा आहे, आणि एसटी कर्मचारी देखील याच्यामध्ये होरपळत आहे, तो होरपळला नाही पाहिजे। आणि कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी आपण सर्वांनी आता आपली आपल्या कामावर रुजू व्हावं, ही महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या वतीने मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। आपण आता पाहिलं असेल की माननीय शरद पवार साहेब, परिवहन मंत्री परब साहेब आणि 21 संघटनांचे सर्व पदाधिकारी यांची मीटिंग झाली, आणि ज्या काही पगारवाढीमध्ये त्रुटी वगैरे होत्या त्या भरून देण्याच्या, आणि जे कामगार खरोखर प्रामाणिक आहेत त्यांच्यावर कोणा जर कामावर येत असतील तर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, असं स्पष्ट शब्दामध्ये सन्मान्य परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे। माझं कामगारांना एकच आव्हान आहे की आपण आता कोणाच्याही भरोश्यावर न राहता आपल्या रोजीरोटीसाठी, या महाराष्ट्राच्या हितासाठी, आज ग्रामीण भागातील जनतेची केवढे हाल होतात, हा कोविडचा पिरियड चालू आहे आणि अशा वेळेला जर आपण जनतेला भेटीशी धरलं तर ते बरोबर नाही। आणि जर तुमचे प्रश्न सुटले नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेना ही नेहमीच कामगारांच्या हितासाठी भांडली आहे, ह्यापुढेही भांडत राहील, परंतु तुम्ही प्रथम कामावर येऊन जा, बघा तुम्हाला जे काय पैसे दिलेले आहेत, 5,000, 8,000, 2,500, त्याच्यामध्ये 40% वर्णन परत परिवहन सेवेवर येणार आहे। अशा प्रकारे चांगलं असताना जर आपण आपला शब्द पाळला नाही तर बरोबर नाही। आपण कोणाच्याही आहारी जाऊ नका, कारण शेवटी पोटाला जात धर्म नसतो, आपलं कुटुंब आहे, आपल्या सर्व कुटुंबाचा विचार करून या महाराष्ट्राच्या हितासाठी, जनतेच्या हितासाठी आपण सर्व एसटी कामगारांनी पुन्हा कामावर यावं, ही माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे। धन्यवाद। इस बैठक में एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारियों को भड़काने का काम वकील सदावर्ते ने किया है, साथ ही वकील सदावर्ते खुद भ्रम में है, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों के मन में भी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग का भ्रम निर्माण किया है। इस बैठक में एसटी प्रतिनिधियों ने बताया
कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मंत्री अनिल परब के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उन्हें काम पर वापस लिया जाएगा, साथ ही वेतन में भी वृद्धि कर हर महीने कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि एसटी गरीब जनता की सवारी है, इसलिए जनता की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और एसटी महामंडल को खत्म होने से बचाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने कर्मचारियों से तुरंत आंदोलन खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। आज एसटीतल्या अनेक 11,000 अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे, डिस्मिसची कारवाई झालेली आहे आणि विलीनीकरणाच्या नावाखाली जे वकील आज कर्मचाऱ्यांना एक वेगळ्या पद्धतीने संमोहित करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यांच्यावर आता कारवाई नाहीये, त्या कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही याच्या संदर्भात सुद्धा परिपत्रक जाहीर होणार आहे। त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या सर्व सभासद कार्यकर्त्यांना आणि एसटी कामगारांना आवाहन करतो की आपण कामावर यावं। एसटी मध्ये काम करणारी जी लोक आहेत ती सर्वसामान्य कुटुंबातली आहेत आणि आजच्या या संपामुळे ह्या सगळ्या लोकांच्या कुटुंबाची चूल बंद होण्याची वेळ वकील साहेबांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे आलेली आहे। मी सातत्याने वकील साहेबांच्या विरोधात बोलत आलेलो आहे। लोकांच्या डोक्यामध्ये त्यांनी जो काय भ्रम निर्माण केलेला आहे, ते जे सांगतायत विलीनीकरण, त्यांच्या डोक्यामध्ये काय आहे कळत नाही। मला असं वाटायला लागलं की ते लोकांच्या लोक डिप्रेशन मध्ये असं म्हणतात, पण तुम्हाला असं वाटतं या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगू इच्छितो की वकील साहेब स्वतः डिप्रेशन मध्ये आलेले असावेत, कारण तू लोकांना चुकीच्या पद्धतीने भडकवण्याचं काम त्यांचं चालू आहे। हा 2 वर्ष 2 महिने झाले हा जो संप चालू आहे, याच्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातल्या जो कर्मचारी आहे त्याची रोजीरोटी बंद होण्याची वेळ आलेली आहे। आज आदरणीय पवार साहेबांनी आणि आदरणीय परब साहेबांनी आम्हाला एक खात्री दिलेली आहे की जी पगारवाढ झाली त्याच्यातल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्याची त्यांनी हमी दिलेली आहे। प्रेस वार्ता में एसटी पदाधिकारियों ने बताया कि वकील गुणरत्न सदावर्ते को हटा दिया गया है और उनकी जगह एसटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील को नियुक्त किया जाएगा। बताया गया है कि वकील सतीश पेंडसे को अब बहस की जिम्मेदारी दी गई है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में परिवहन मंत्री अनिल परब, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और एसटी कर्मचारी संघ के विभिन्न पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। इस एसटी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी समिति के साथ हुई बैठक में हड़ताल का समाधान निकालने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद कार्रवाई समिति को आश्वस्त किया गया। सरकार एसटी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर गंभीर है और साथ ही एसटी कार्यकर्ताओं से तत्काल काम शुरू करने को आग्रह किया है। बैठक में कुल 22 एसटी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भी आश्वासन दिया गया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वही एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी रोजी रोटी बनी रहे, हमारी एसटी बनी रहे, सामान्य परिवारों के कर्मचारियों का भी यही हाल है। विभिन्न एसटी कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बैठक से शंकाओं का समाधान हुआ है। एसटी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि विलय के संबंध में अदालत का फैसला सरकार और एसटी कर्मचारियों दोनों को स्वीकार्य होगा। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद एसटी कर्मचारी क्या फैसला लेते हैं, क्या कर्मचारी काम पर लौटेंगे, लाल परी फिर सड़कों पर दौड़ेगी, यह समय ही बताएगा। मुंबई से वीकेबी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट।